तेरी आंखें तेरी खुशी में मिलती है। इंट्रो है हमारे सीनियर्स के साथ, आज हमारे सुपर सीनियर के साथ इंट्रो है। अनामिका जी क्या कहना चाहेंगी आप? इंट्रोडक्शन देते देते एक्चुअली हम थोड़ा पागल हो तो चुके हैं, बट फिर भी कोऑपरेट तो करना पड़ेगा। तो सीनियर के साथ तो गाइस कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। उस दिन हमने अपने सीनियर्स को दिया था, आज हम अपने सुपर सीनियर्स को इंट्रो देने वाले हैं। तो पीछे बहुत सारी भीड़ आ चुकी है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इससे ज़्यादा ढंग से क्या दिखाऊं? इससे ज़्यादा ढंग से हमने दिखाया तो भाई हमारी ढंग से ना ले लेंगे, इस बात का भी थोड़ा डर है। अभी फिलहाल हमारा इंट्रो स्टार्ट होने वाला है तो हम आपको पूरा दिखाएंगे कि क्या क्या होने वाला है और क्या क्या हो रहा है। बने रहिए हमारे साथ। ढूंढे तुम कहाँ हो? हमारी क्लास। हाय, आई एम मिस वर्ल्ड, सॉरी मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स। हेलो, कहाँ पर है यार वो बेचारा? मेरा रूप जाना तभी अच्छा लगता मुझे, मेरी भी खुशी तब तक है जब तक तेरे चेहरे पर वो मुस्कान दिखती है। हाँ माना बेवकूफी कर देता हूँ कभी कभी, पर मुझे भी खुशी तेरी आंखों तेरी खुशी में मिलती है। ले माता। हाँ ये खुद बनाती है अपने ब्लॉग, मेरे को बोला करे बस। कैंटीन कुछ खाने के लिए, इधर से आना वैन। एंड हमारी क्लास गाइज बढ़ चुकी है, हमारी अब 3 बजे की, पता नहीं कितने बजे की क्लास है। अभी हम जा रहे हैं कैंटीन। आज माता एक खाना भी होता है। क्या खाना होता है? अच्छा से उठाना जो हम खा पाए मज़े से। ग्रीन वाला? हाँ ये वही वाला है ना जो मुझे पसंद है, दिखा। हाँ ये वही है। जा रहे हैं, ये क्या लेके जा रहे हैं? ये कुछ भी, क्योंकि गाइज हमारे कैंटीन में बिल्कुल कुछ अच्छा खाने के लिए नहीं मिलता है, ऐसा मुझे इन लोगों ने बोला है। मैंने तो अभी तक ट्राई भी नहीं करा था, अपने पैसे बिल्कुल खर्च नहीं करे। ये लोग बोल रहे हैं कि कैंटीन में कुछ अच्छा नहीं मिलता, तो मैं भी अपने पैसे खर्च नहीं। आज हमारे सुपर सीनियर आए थे हमारी क्लास में हमारा इंट्रो लेने के लिए। सीनियर भी और सीनियर भी पूरा भरा। आज तो बहुत ज़्यादा भरा था। उस दिन एक और दिन हुआ था, उस दिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, उस दिन सिर्फ हमारे सीनियर आए थे। एंड अभी हम जा रहे हैं, हमारी एक और क्लास है। और आज सुबह से वैसे हमने एक भी क्लास नहीं पढ़ी है गाइस, क्योंकि हमारी सारी क्लासेस कैंसिल हो गई, कुछ ऐसा ही था सीन। और टीचर्स भी नहीं आ रहे पता नहीं क्यों। तो फिलहाल अभी हम इसे खाएंगे और फिर क्लास में जाएंगे, उसके बाद मैं घर जाऊँगी। गाइस सो मैं अपने रूम में पहुँच चुकी हूँ। एंड हमारी जो लास्ट क्लास थी वो कैंसिल हो गई है, हो गई थी मतलब मुझे पता ही था वो कैंसिल हो जाएगी। एंड वो कैंसिल हो गई, फिर हमने अटेंडेंस लगाई, उसके बाद मैं आ गई। एंड मैं आते हुए अपना लंच भी लेके आई हूँ, लाइक जो मैंने टिफिन सर्विस लगवाई है। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ गाइस कॉलेज से आके, भले आज दिन भर हमारी पढ़ाई नहीं हुई लेकिन इधर उधर घूमने में ही थोड़ा, मतलब हमारा यूनिवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, उसमें घूमते घूमते मतलब थक जाते इंसान। और मेरा रास्ता भी लाइक यहाँ से कॉलेज बहुत दूर है, तो जाते जाते इंसान थक जाता है।
फिर मैं ऐसी बैठी अभी, तो अभी बनाऊंगी चाय, क्योंकि कल जो है मैं चीनी लेके आई थी, क्योंकि मेरी चीनी ख़त्म हो गई थी। कल मैं मार्केट गई तो मैं 1 किलो चीनी लेके आई, एंड खाने के लिए मैं एप्पल लेके आई 1/2 किलो बस। तो वैसे ना मैं 1 किलो भी ला सकती थी, लेकिन ना यार ये है ना कि एक तो मेरे पास फ्रिज वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मैं उसको स्टोर कहाँ करूँगी ना, तो ख़राब भी हो जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा खाने होंगे मुझे और मन होगा खाने का, तो मैं ले आऊँगी मार्केट जाके, उतना दूर भी नहीं है, तो इसलिए मैं 1/2 किलो लेके आई। एंड मैं एक और दिन, मतलब 2-3 दिन पहले और मैं मार्केट गई थी, इधर साइड लगी थी, तो वहाँ से तब मैं केले लेके आई थी 1 दर्जन, और मैं कल लेके आई 1/2 किलो सेब, वो मैंने एक ही खाया अभी तक। एंड अभी हम बनाएंगे चाय, बाहर का मौसम ऐवें ही सही हो रहा है गाइस, देहरादून का तो मौसम ऐवें ही हो ही रहता है। मतलब देहरादून की, मतलब आजकल यहाँ इतना ज़्यादा डेंगू फैल रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब हर दूसरे तीसरे इंसान को हो रहा है। एंड यहाँ की बारिश, ले यहाँ की बारिश पे तो भरोसा करना बिल्कुल वही नहीं, मतलब कभी भी मुंह उठा के यहाँ बारिश हो जाती है, मुंह उठा के। तो गाइज़ अभी हम बनाते हैं चाय एंड थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं चाय पी के, तो बनाएंगे चाय। गाइज़ चाय बन चुकी है, मैं दिखाती हूँ आपको। मेरे पास ना एक्चुअली कोई मग वग नहीं है, कॉफ़ी मग, टी मग, तो मुझे लेना है वो, तो मैंने ये स्टील का ग्लास है जो मेरे घर से आया है, तो मैंने इस पे डाली है। तो मैं चाय ना, वैसे मेरा खाना मैंने पहले ब्लॉग्स में बताया है, मैं दोबारा बता देती हूँ, मेरा खाना जो है मैंने टिफ़िन सर्विस लगवाई है, तो वो दिन का एंड रात का खाना आता है, एंड सुबह जहाँ से मैंने लगाई है वहीं मैं खाने जाती हूँ सुबह। एंड चाय मेरे पास जो वो होती है ना इलेक्ट्रॉनिक केटल, उसमें मैं चाय बनाती हूँ बस, एक मैं चाय बनाती हूँ और एक उसमें मैगी बनाती हूँ बस, और बाकी मुझे कुछ भी खाना होता है मैं बाहर जाती हूँ। मैं ब्लॉग उस दिन बनाती हूँ जिस दिन कॉलेज में कुछ नहीं हो रहा होता है, एंड जिस दिन कुछ एक्साइटिंग होता है शूट करने लायक, उस दिन मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि ताले नहीं आज तुझे एक भी मौका मिस नहीं करना है, कंटेंट नहीं छोड़ना है, तो इसको इग्नोर करते हैं गाइस। तो फिर जैसे ही मतलब हमारे सुपर सीनियर्स जो हैं हमारी क्लास में आए, मैंने सोचा आज तो ब्लॉग मैं बनाऊँगी, एंड जितना हो सके मैंने बनाया जो जो मतलब शूट करने लायक था। एंड हाँ, तो शायद इस व्लॉग को मुझे रिपेंड करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद मैं कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा नहीं करने वाली हूँ। बट गाइज अभी मैं इंटरेस्टिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन आगे आने वाले व्लॉग्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग होने वाले। तो आपको पता है क्या करना है, आपको बस एक ही चीज़ करनी है, आपको जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करना है गाइज। प्लीज़ गाइज, जिनने सब्सक्राइब करा उनको थैंक यू सो मच, एंड जिन्हें नहीं करा, जो इस व्लॉग में नए हैं इस वीडियो पर इस चैनल पर, तो प्लीज़ गाइज जाके सब्सक्राइब कर लो। मैं बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आने वाली हूँ, एंड आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।